कुकड़ू कुकर। चार 5 मिनट पांच, जरा इधर उधर हिल तो सही, थोड़ा आगे चल, थोड़ा सा आगे को चल। बर्गर हमें 20 सेकंड में खाना है, अगर 20 सेकंड में नहीं खा पाए तो हमें मुर्गा बनना है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं और मैं अभी कर अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस अभी हमारा चल रहा है दिन का खाना, नाश्ता भी यही है तो दिन का खाना भी यही है गाइस। इसके बाद हम एक सब्सक्राइबर का हमारा चैलेंज था कि बर्गर 20 सेकंड में खाना है और भी आगे है, तो अभी पहले हम कर लेते हैं नाश्ता फटाफट। नाश्ता या दिन का खाना, तो दोनों है हमारा ही, तो पहले हम खा लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम चैलेंज के बारे में आपको बताएंगे और चैलेंज होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से हम पहले खाना खा लेते हैं। खाना तो खा लिया हमने और अब है हमारे चैलेंज की बारी। जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें चैलेंज दिया था उसे आज पूरा करने की बारी है गाइस। तो कब से बोला था, तो हमारे दोनों बर्गर तैयार हैं, तो जल्दी से हम चैलेंज बताते हैं आपको, स्टार्ट करते हैं, पहले सेटअप लगाते हैं। गाइस हमारा जो चैलेंज है वो हमें हमारे सब्सक्राइबर ने दिया है, तो इसमें हमें 20 सेकंड में, देखो बर्गर दो है तो एक मैं खाऊंगा एक मानसी, तो हमारा क्यों नहीं हूँ। तो गाइस देखो ये बर्गर हमें 20 सेकंड में खाना है, अगर 20 सेकंड में नहीं खा पाए तो हमें मुर्गा बनना है। हमें नहीं इसको तुझे जो जो निहारेगा गाइस उसे। तो ये देखो 20 सेकंड मैं इसमें रख रहा हूँ, इसमें जैसे 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे ट्यूनिंग बच जाएगी, ठीक है। तो गाइस हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ये देख लो इसमें 20 सेकंड का रख रहा हूँ। तो गाइस जैसे मानसी स्टार्ट करेगी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा और रुक जा अभी नहीं है मैं रेडी स्टडी। तो गाइस 20 सेकंड में खा पाऊंगा नहीं खा पाऊंगा, इधर वो वाला मुझे नॉटिंग में मत कर, बंद में ना आने से ना यार। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बड़ा है मेरा वैसे भी तेरा छोटा है ना, अभी नहीं जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट इसमें अलार्म बज जाएगा। मैं रुक जा, भगवान भगवान शांति शांति, खाना खा रखा है ठीक है अभी गाइस, इतना खाना खा रखा है उसके बाद भी चैलेंज पूरा कर रहा हूँ, तो क्या खा पाऊंगा इतना बड़ा बर्गर वो भी 20 सेकंड में। रुक जा क्या है जल्दी करना, यहाँ पे नीचे पाऊंगा वहां सुना दूंगा। तो गाइस ये स्टार्ट करने वाली है, जैसे ही इसका अलार्म बजेगा मतलब समझ लो कि समय सीमा समाप्त होगी। 1 2 3 गो। काले 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 सात छ पाँच चार तीन दो एक जीरो। डुम टिक डुम। तो गाइस 20 सेकंड में बस नहीं खा पाया, तो गाइस सच में 20 सेकंड में खाना इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं खा सकता, इतना बड़ा लग रहा है ना जो फर्स्ट में खा दे। मानसी की बारी गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इसका टाइमर, रेडी स्टेडी एंड गो, जल्दी खा नॉटिंग मत। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 खत्म हो गया था। ये देखो गाइस ये मेरा है और ये मानसी का, इतना पूरा आधा का आधा बचा, इससे तो मजे आ रहे गाइस, इन्हें खाना था। मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, इससे तो नहीं बना सकता, तुझे भी बनना पड़ेगा। मैं मुर्गा नहीं बन सकती भाई, चलो मैं ही बन जाता हूँ गाइस मुर्गा। गाइस जितना आसान सोचा था उतना आसान चैलेंज था नहीं, तो अब मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा चैलेंज के हिसाब से। तो वैसे तो मानसी को भी बनना पड़ेगा, पर मैं मानसी को बननी, तू भी बनेगी, मैं मुर्गी बन सकती हूँ, मुर्गा नहीं। हाँ जो भी है ना, पर उन्होंने मुर्गा बनने का चैलेंज, चलो ठीक है इसे नहीं बनाते गाइस, मैं खुद ही बन जाता हूँ, चैलेंज तो पूरा करना ही है ना। तो गाइस मुर्गा बनना पड़ेगा, मैंने इतना आसान सोचा था कि मैं आराम से कर लूंगा 20 सेकंड में, तो जब वो खाता है ना कोई भी, जब खाते वक्त ऐसा पता चलता है कि नहीं हो पाएगा। मुर्गा बनने के लिए हूँ मैं रेडी, तो
तो एक चीज के लिए सॉरी कि मैं टी शर्ट उतार के नहीं बन सकता मुर्गा। उनने कहा था कि टी शर्ट उतार के मुर्गा बनना है, तो टी शर्ट उतार के तो नहीं ऐसे बन जाऊंगा मुर्गा। रेडी करियो कुकड़ू को, करियो कुकड़ू को, कर कुकड़ू को, कर 5 मिनट बनूंगा, 4-5। जरा इधर उधर हिल तो सही, थोड़ा आगे चल, थोड़ा सा आगे को चल। एक बार कुकड़ू को कर दे, एक ही बार कर दे, थोड़ा जोर से करना, थोड़ा जोर से कर, कुकड़ू ऐसे कर, कर ना कुकड़ू कर। हो गया बस, पाँव में दर्द हो रहा है गाइस। तो गाइस बर्गर चैलेंज पूरा हो चुका है जिसमें हम हार चुके हैं, और ये तो सोने लग गई है, तो मुझे तो अभी ड्यूटी जाना है और थोड़ी देर बाद जाऊंगा 2:30-3 बजे तक, तब तक मंजरी लोग भी आ जाएंगे, तो थोड़ी देर मैं भी आराम ही कर लेता हूँ, सो जाते हैं टन करके, फिर अभी उठेंगे और फिर चलेंगे ड्यूटी को। हम आ चुके हैं नीचे, तो अब थोड़ी देर ये मानसी भी आ चुकी है, इसे धूप लगी तो नीचे आ गई ना, तो गाइस चारपाई ऊपर छत में तो चढ़ा दी, पर इसे नीचे कौन लाएगा अब। अरे नहीं आ रही ना, क्या कर रही है क्या कर रहा हूँ, चल पहले चल, ला रहा हूँ अभी 3 बजने वाला है और हम उठ चुके हैं, ये तो तैयार भी हो गई है गाइस, तो जल्दी से मैं भी तैयार होता हूँ, फिर चलते हैं ड्यूटी का, और ये जाएगी कंप्यूटर क्लास, तो इसे भी छोड़ दूंगा गाइस क्योंकि मैंने भी उसी साइड जाना है, तो साइकिल में इसे भी नीचे तक छोड़ दूंगा, तो जल्दी जल्दी आ। मंजूदी भी नहीं आई है, शायद मंजूदी की ओटी लग गई है, तो अभी आई नहीं है, शाम को ही आएगी, तो ताला आला लगा के चले जाएंगे, चाबी बगल में अम्मा को दे के जाएंगे, तो जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं, चलते हैं। और मंजूदी भी आ चुकी है, हम ला गए हैं, तो भाई जल्दी से चलते हैं, और ये देख फिर पहले से तैयार, तू ले जाएगी, हट यहाँ, हट चल, हट नोटिंग मत कर, हट बैठ ना, तू गिरा देती है, मुझे तेरे साथ डर लगती है, हट ना यार, मैं कहाँ बैठूँ, वहाँ देख तो पीछे से छाता रखी है, मैं भी बैठती हूँ ना, तेरे साथ डर लगती है, नहीं लगती है, तो गाइस कैसे बैठी है देखो, साइकिल में गिरेगी ना मरेगी, वैसे बैठ यार, अरे हर ना बार बार गिरेगी, अरे मेरा पर्स है, बिन्नी जल्दी ला, क्या हाल है, मुझे दे मेरा पर्स लगा दे, ओ हट, क्या लग रहा है ये, इसको छोड़ दिया यहाँ पे, और अब मैं चलता हूँ भाई आराम से, कॉफी आज भी नहीं लाई, मानसी को तो छोड़ दिया है, और अब चलता हूँ मैं ड्यूटी को, तो यहीं आगे जाना है मैंने, जल्दी से चलते हैं, यहाँ लगती है आज मंडे मार्केट, और मैं यहीं करूँगा अपना थोड़ी देर काम, तो आपको मिलते हैं हम सीधे शाम को, तब तक ड्यूटी कर लेते हैं, तो तब तक के लिए ओके बाय बाय। गाइस 6 बज चुके हैं और आज इतना ठंडा हो रहा है गाइस, तो आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए मैं घर को जा रहा हूँ, क्योंकि हाथ में बहुत ठंडा हो रहा है, तो गाइस जल्दी से चलते हैं घर को, अभी एक जगह और जाना है मैंने, इसलिए घर को जा रहा हूँ, तो जल्दी से चलते हैं घर को, और इधर लगे देखो बाजार। गाइस आ चुका हूँ मैं घर, और यहाँ देखो गाइस मानसी पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पता नहीं कौन सोया है, कन्नू सोए थे, और यहाँ मंजिल लोग सोए हैं, तो गाइस इतना खतरनाक ठंडा हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा वाला, इधर यहाँ खाना आना कुछ भी नहीं बनाया, और सब लोग यहाँ अपने अपने फोन में लगे हुए हैं, तो पता नहीं गाइस खाना कब तक बनेगा, और पता नहीं यार रोटी कौन बनाने वाला है गाइस, सब तो गाइस कब बनेगा पता नहीं, भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा वाली, तो गाइस इसके तो दांत दर्द हो रहा है, कैसे घूम रही है देखो इधर उधर, रोटी वोटी हमारी बन चुकी है, तो हम आप जल्दी से खाना खा लेते हैं, पता नहीं कौन लगा कन्नू लगाने वाली है सबके लिए खाना आज, तो ये दोनों जनों के लिए यही लगेगा, सबके बिस्तर में ही लगेगा खाना, क्योंकि आजकल हम सब लोग बिस्तर ही में खा रहे हैं अपने अपने बिस्तर में, तो हमारे बिस्तर में हमारा खाना आएगा, अभी कन्नू आ रही है थोड़ा सा दुकान से, वो दही लाने गई है, गाइस खाना तो हमने खा लिया, पर कन्नू अभी बहुत ही गुस्सा है जा रही, क्योंकि वो सबके लिए खाना लगा रही है,
कन्नू मत करना, सुनने दे अब। चल मुझे नींद लग रही है, ठंडा रोज की तो 10 रुपए खाता है। देखो गाइस ये कैसी, सारे बिस्तर रिश्ता ऐसे फेंक है और मुझसे सही करने नहीं कर रही है। एक दही की वजह से लड़ी गई, मैंने इसे दही देना भूल गया तो उसकी वजह से लड़ रही है। तो गाइस हमने तो खाई लिया है, मंजू जी लोग खा रहे हैं। गाइस ये फिर भी नहीं जा रही है, या तू खा ले तो पहले, या खाना खा ले। दही तोड़ना है, वहाँ इतनी सारी सब्जियाँ हैं। तूने पकाई है? मैंने पकाई, मंजू ने बनाई है। बाहर से कितना दही फेंक के। तो गाइस आज सोते हैं और आज के ब्लॉग का यही प्लान करते हैं गाइस। तो गाइस मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।